हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग सीएचएसएल 17 मार्च 2018 का शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर करिए, और टैग बटन दबाना ना भूलिए, ताकि हम लोग को जो भी नया वीडियो डालें आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का है, मास बराबर दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो आपको फोर्स निकालना है। ये फॉर्मूला पीछे भी आ चुका है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपको पता है, और एक्सेलरेशन बराबर चेंज इंटू वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो वेलोसिटी 20 से 40 हो जा रहा है, तो डिफरेंस कितना का हो गया, 40 माइनस 20, और टाइम कितना है, 5 सेकेंड, 5 हो गया, तो ये 20/5, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, अब मास कितना दिया हुआ है, यहाँ से एक्सेलरेशन आपका आ गया 4 मीटर पर सेकंड, मास कितना दिया हुआ है 3 kg, और ये कितना हो गया 4 मीटर पर, कितना हो गया 12 न्यूटन, इसका आंसर हो गया 12 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका डाटा तो पता नहीं चला कि वोल्टेज डिफरेंस कितना दिया हुआ था, चार्ज कितना दिया हुआ था, मगर ये पता चला कि वर्क से एक क्वेश्चन आया है। तो वर्क से जो भी क्वेश्चन आएगा, तो वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू वोल्टेज का डिफरेंस, इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन आया है। तो जो भी डाटा होगा इसको आप लोग देख लीजिए फॉर्मूला को, ताकि आपको नेक्स्ट अधिक क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सकें। हु इज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो ये धर्मपाल, ये एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ चुका है क्वेश्चन। बिगेस्ट एयर प्योरीफायर लोकेटेड एट विच कंट्री, चाइना। नेबरिंग कंट्री से देखिए, जितना भी करेंट अफेयर या फिर नेबरिंग कंट्री से कुछ ना क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, तो नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड करेंट अफेयर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आज भी एक क्वेश्चन आया है, बिगेस्ट एयर प्योरीफायर लोकेटेड विच कंट्री, तो इसका चाइना। ये 2017 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, मतलब 2017 में ये आया हुआ है पहली बार। बेगम अख्तर रिलेटेड टू विच फील्ड, बेगम अख्तर किससे रिलेटेड, वो इंडियन सिंगर हैं, वो गज़ल गाती हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए, और ये भी एसएससी 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक और देख लीजिए, गज यात्रा इज रिलेटेड टू, गज यात्रा किससे रिलेटेड है, तो ये एलिफेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में और जाननी चाहिए कि यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड गज यात्रा ए नेशन वाइड कंपेनियन टू प्रोटेक्ट एलिफेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो ये किस दिन लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन, और वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड एलिफेंट डे कब इस्टेब्लिश, कब से मनाया जा रहा है, 12 अगस्त 2012 से कंटिन्यू हर साल मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वोल्टेज गिवेन, करेंट गिवेन, तो रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, वी बराबर आई आर, तो आपको रेसिस्टेंस निकालना है, तो आर बराबर वी बाई आई, वी दिया हुआ, आई दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इसको फॉर्मूला को याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आ रहा है। विच इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एसएससी का पुराना है, पारसनाथ हिल, ये पुराना क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंदी हिल सिचुएटेड एट, ये कर्नाटका बेंगलोर में, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है कर्नाटका में, 180 किलोमीटर दूर है लगभग बेंगलोर से, तो ये इसका आंसर क्या होगा, कर्नाटका नंदी, कर्नाटका में कहाँ नंदील कहाँ है, कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू आइसोटोप्स, देखिए आइसोटोप से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हाइड्रो पहले आया है क्वेश्चन, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स क्या होता है, जैसे ड्यूटोरियम से क्वेश्चन आया था, ट्राइटेरियम से अभी तक नहीं आया है, तो उसी तरह आइसोटोप्स, जिस जिस एलिमेंट का आइसोटोप्स हो सकता है उसका आइसोटोप्स आप लोग पढ़ लो। अब कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कौन सा आइसोटोप्स के बारे में पूछा गया था, ये पता नहीं चला। मायामी टेनिस, देखिए मायामी टेनिस से भी क्वेश्चन एक आया है आज, अब ये नहीं पता चला कि क्वेश्चन क्या आया है, मगर क्वेश्चन एक आया है, तो इसके बारे में जान जाइए कि 2018 में मायामी ओपन प्रेजेंटेड बाय ईटीयू, ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, ईटीयू, ए प्रोफेशनल मैन एंड वुमेन टेनिस टूर्नामेंट टू बी प्लेड ऑन द आउटडोर एंड कोर्ट। तो मायामी टेनिस, ये किस टेनिस के लिए होता है, इसका डेट देख लीजिए, ये कब, 2018 में 20 मार्च से 1 अप्रैल तक चालू हुआ, लोकेशन कहाँ पर, ये यूनाइटेड स्टेट में फ्लोरिडा एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर हुआ है, टेनिस सेंटर एट कैरेडोन पार्क। और 2018 का विनर मेंस का कौन है, तो रोजर फेडरर, और वुमेन्स का आप लोग सर्च कर लीजिएगा, और डबल सिंगल का भी सर्च करिएगा। साहित्य अकेडमी 2017 इन हिंदी, देखिए साहित्य अकेडमी के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साहित्य अकेडमी किस चीज़ के लिए होता है,
लिटरेरी हॉरर इन इंडिया विच इज साहित्य अकेडमी नेशनल अकेडमी ऑफ द लेटर्स एनुअली, ये राइटर्स ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, ये साहित्य अकेडमी लेखकों के लिए है जो सबसे अलग किताब लिखते हैं, ठीक है। ये किस कितने लैंग्वेज में दिया जाता है, 24 लैंग्वेज इंक्लूडिंग 22 लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कितने लैंग्वेज में दिया जा रहा है ये अवार्ड। आज का क्वेश्चन था कि 2017 में किसको मिला है, तो 2017 में रमेश कुंटल और विश्वमिथक सरित सागर, ठीक है, विश्वमिथ सरित सागर और रमेश कुंटल को मिला है। और इसका पहला, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आ सकता है शिफ्ट में कि फर्स्ट विनर साहित्य अकेडमी अवार्ड का फर्स्ट विनर कौन थे, तो ये थे आरपी सेथु पिलाई। लास्ट विनर कौन है, मतलब अभी 2016 का ये विनर होंगे, ममंग दाई इंस्टीट्यूट। ये कब लॉन्च हुआ 1954 में, देखिए ये 2015 के हैं, ममंग दाई जो हैं ये 2015 के हैं। उसके बाद 2017 में किसको मिला है, तो रमेश कुंटल, ये करेंट का क्वेश्चन इसलिए इसको पूछ लिया गया, हो सकता है आप लोगों में फर्स्ट विनर भी पूछा जाए। टोटल अवार्ड कितना है, 56 लोग को अभी तक दिया जा चुका है। इसका इंस्टीट्यूट देख लीजिएगा कब इस्टेब्लिश हुआ, 1954 में, ये इंपॉर्टेंट या फर्स्ट विनर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर जीपी रेस से एक क्वेश्चन आया है, ग्रांड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग, ये रेसिंग के लिए होता है। इससे क्या क्वेश्चन आया है ये तो नहीं एग्जैक्ट पता चला है, मगर इस चीज़ के बारे में देख लीजिए, इसका 1949 से ये हो रहा है, ये इंटरनेशनली होता है। और इसका कंस्ट्रक्टर कौन है, इसका चैम्पियन कौन है, तो इसका चैम्पियन था 2017 में मार्क्वेज, और किसके लिए था, वो होंडा से, होंडा के तरफ से था, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया 2017 के लिए, हो सकता है आप लोग को आ जाए। मंथ ऑफ एप्लियन, देखिए सन से दो चीज़ हम लोग देखते हैं, शॉर्टेस्ट और नियर, एपोगी और पैरोगी, उसी से रिलेटेड है एप्लियन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। मंथ ऑफ एप्लियन होता है जुलाई 4 तारीख को, फर्देस्ट फ्रॉम सन, ठीक है, ये फर्देस्ट के लिए होता है एप्लियन, और पैरोगी पेरिलियन जो होता है वो शॉर्टेस्ट के लिए होता है। सेव एडिट एंड व्यू लोकेशन इन द एमएस वर्ड, ये ऑफिस बटन होता है, सब लैपटॉप जो होता है इस तरह स्क्रीन, यहाँ पर ये बटन स्थित होता है बटन, ठीक है। म्यांमार रैंक इन एरिया वाइज इन एशिया, ये 7वें रैंक पर है, देखिए म्यांमार से ये टोटल 9वां क्वेश्चन है अभी तक एसएससी सीएचएसएल 2018 का। तो म्यांमार, नेपाल, ये सबको बहुत अच्छा से कर लीजिए, और एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बहुत जल्द, जिसमें रिलेटेड कंट्री के बारे में जितना भी क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाएगा, मोस्ट पब्लिक कल आपको वीडियो ये मिल जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, ये भी करेंट का क्वेश्चन है, देखिए ये एयरक्राफ्ट इतना बड़ा है कि एक फुटबॉल फील्ड जो होता है, फुटबॉल फील्ड का जो इंटरनेशनली फुटबॉल फील्ड का ग्राउंड है, अगर उसमें खड़ा हो जाए तो ये इसका दोनों जो डैना है वो दोनों इस पार से इस पार तक आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्ट्रेटो लॉन्च, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति सेवन, संप्रीति सेवन जो है यहाँ पर देखिए, इंडो बांग्लादेश ज्वाइंट एक्सरसाइज संप्रीति सेवन, ये संप्रीति सेवन जो है ये इंडो बांग्लादेश का एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर हुआ है 2017 में, मेघालय और मिजोरम में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन है ये आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। न्यू जीडीपी ऑफ इंडिया कंसीडर अकॉर्डिंग टू विच ईयर, पहले जो होता था 2004 और 2005 को बेस ईयर माना जाता था, मगर उसके बाद रिप्लेस करके 2011-12 को जीडीपी का बेस ईयर बता, देखिए बेस ये जो प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, कल ही इस क्वेश्चन को हम लोग बताए थे कि जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है, और देखिए आज ये क्वेश्चन आ गया। अगर जो भी व्यक्ति पहला वीडियो पीछे वीडियो मेरा देखा होगा उसमें इस चीज़ का हम जिक्र किए हैं कि बेस ईयर जो 11-12 हो गया है, और ये आज क्वेश्चन मौजूद है उससे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो टर्म होता है कितना, मतलब कितना साल के लिए आते हैं वो लोग, ये 5 साल के लिए होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोक, ये क्वेश्चन आया था, उसका 4 ऑप्शन था तो, और एक ऑप्शन ऑल था, तो कोक, कोल गैस और कोल तार, तो ये तीनों होता है कोल का प्रोडक्ट। देखिए लैंग्वेज ऑफ भूटान डोजंका, ये एसएससी में पहले भी इसी साल पीछे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप भूटान से रिलेटेड क्वेश्चन पीछे भी देख सकते हो, मगर अगर अभी तक आप सराउंडिंग कंट्री को नहीं पढ़े हो तो एक बार प्लीज़ सराउंडिंग कंट्री को पढ़िए, क्योंकि सराउंडिंग कंट्री से क्वेश्चन आ रहा है, और कल एक वीडियो हम आपको सराउंडिंग कंट्री का प्रोवाइड करा देंगे।
फर्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड वाज अवार्डेड टू हुम फॉर द फर्स्ट एक्टर टेलीविजन? देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्टेरलिंग के ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु ऑफ तानसेन। देखिए तानसेन के बारे में और भी जान जाइए। तानसेन ग्वालियर के रहने वाले थे, 1506 में जन्मे थे, इंडियन म्यूजिशियन थे ये। कब मरे थे? आगरा में 1589 में। फुल नेम राम तनु। ये इम्पोर्टेंट है कि तानसेन का फुल नेम क्या था, तो राम तनु। ये कहाँ पर दफनाए गए थे? तो ग्वालियर में ही, द मेमोरियल ऑफ तानसेन। पेरेंट्स कौन थे? मुकुंद पांडे। और इनका देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स, ये तीन चार बुक जो है ये इनका देख लीजिएगा, तसरेह उल मुस्की, परसियन ट्रांसलेटेड ऑफ तानसेन ओरिजिनल वर्क ऑफ बुद्ध प्रकाश। तो इनका बुक कौन था? तसरेह उल मुस्की। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन पर, गुरु ऑफ तानसेन कौन थे? तो स्वामी हरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज टू ज्वाइन? यहाँ पर लोक होगा, लोकसभा 25 साल होता है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग इन द पार्लियामेंट इन वन ईयर? इसका कोई फिक्स टर्म नहीं है, कितना बार भी हो सकता है। मिनिमम दो तीन बार तो होता है, मगर कोई फिक्स नहीं है। ज्वाइंट सेशन चाहे स्पीकर, जब कोई भी आपातकालीन आए या फिर कोई भी सेशन बिल पास नहीं हो रहा है, स्पीकर ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। तो इसका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं है, मिनिमम कोई ये नहीं पता है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ नेपाल कौन सा है? तो ये काठमांडू है। ये देखिए फिर नेपाल से एक क्वेश्चन आ गया, और ये पहले भी वीडियो में आ चुका है, हम पीछे के वीडियो में भी आपको ये बता चुके हैं। वन क्वेश्चन फ्रॉम बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा से एक क्वेश्चन आया है पहले भी। अब बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे क्वेश्चन आ रहा है। लॉर्ड लाइटन के बारे में एक क्वेश्चन है, ये पता नहीं चला एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, मगर जैसे कि हम लोग को मैसेज आता है क्वेश्चन, लड़का लोग से सारे जो हम लोग का वीडियो देखते हैं वो मैसेज करते हैं, तो उनसे लॉर्ड लाइटन का पता चला कि एक क्वेश्चन आया है। SAES समिट। तो देखिए सबसे पहले तो SAES का फुल फॉर्म देख लीजिए, साउथ एशिया इकोनॉमिक समिट। तो देखिए अभी इस साल 2017 में जो हुआ है SAES समिट 2017 होस्टेड बाई, तो ये नेपाल के द्वारा होस्ट किया गया है। और देख लिए अब SAES के बारे में और भी जानिए, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 2017 में ये दसवां समिट था, और ये काठमांडू में हुआ था नेपाल में, ये क्वेश्चन आज आ गया 14 नवंबर 2017। इसका थीम क्या है? डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साउथ एशिया। तो ये इसका थीम है, SAES का थीम पूछा जा सकता है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए। बाइल जूस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो देखिए बाइल जूस के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। बाइल जूस होता है ना, ये लीवर में होता है। बाइल जूस का यदि मात्रा बढ़ता है या घटता है तो उससे क्या होता है? बाइल जूस यदि बढ़ गया, देखिए जैसे लीवर के पास एक गल ब्लैडर होता है, गल ब्लैडर में बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, और बाइल जूस का अगर मात्रा आप में बढ़ गया तो इसके मतलब पीलिया रोग हो सकता है आपको, ठीक है। तो वन क्वेश्चन ऑफ फाइव ईयर प्लान आपको हम पीछे के वीडियो में बता चुके हैं, और आज भी एक क्वेश्चन उससे आया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता नहीं चला है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।